दूसरों के अवांछित व्यवहार पर अपने को कैसे संयमित रखें। नमस्कार, मैं अनिल शर्मा। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में अक्सर ऐसी स्थिति आती है कि दैनिक जीवन के व्यवहार में हमें कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाता है कि उसके व्यवहार से, या कहिए उसके एटीट्यूड से, हम अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। उदाहरण के लिए, जब हम ग्रोसरी स्टोर जाते हैं तो वहां काम करने वाले लोगों का व्यवहार, सफर में किसी सहयात्री का अवांछित व्यवहार, कुछ ऑटो या टैक्सी ड्राइवर्स का व्यवहार, या किसी सगे संबंधी का अटपटा व्यवहार, और वर्किंग प्लेस पर किसी सहयोगी का डिफरेंट व्यवहार। इसी तरह के अन्य लोगों से व्यवहार करते हुए उनका एटीट्यूड हमें थोड़ा विचलित तो करता ही है। वैसे मेरा मानना यह है कि दुनिया में ज्यादातर लोग अच्छा व्यवहार ही करते हैं, लेकिन कुछ लोग का व्यवहार हमें अच्छा नहीं लगता। उनका ऐसा व्यवहार उनकी अपनी समस्या हो सकती है, लेकिन उनके व्यवहार से हमारी प्रतिक्रिया हमारे व्यक्तित्व का टेस्ट भी होता है। अगर हमने उनके व्यवहार पर अपनी कूलनेस खोकर थोड़ा एग्रेसिव रिएक्ट किया, तब ये हमारे ही व्यक्तित्व में कमी को प्रतिलक्षित करता है। ऐसा भी नहीं है कि दूसरे व्यक्ति के असभ्यता वाले व्यवहार को बिल्कुल इग्नोर करना चाहिए, बल्कि पहले ये समझने की कोशिश करनी चाहिए कि इस तरह का व्यवहार करने वाला व्यक्ति कौन है, किस परिवेश से है और किस मानसिक स्थिति में है। अभी कुछ दिन पहले मैं एक ऐसे स्टोर में कुछ सामान लेने गया जिस स्टोर से मैं वर्षों से सामान खरीदता आ रहा हूं, लेकिन उस दिन काउंटर पर खड़े एक नए सेल्समैन के व्यवहार से थोड़ा विचलित हुआ। उनके व्यवहार ने एक बार तो मेरी मानसिक स्थिति को ऐसा कर दिया था कि मैं इमीडिएट रिएक्ट करना चाहता था, लेकिन मेरे विवेक ने मुझे रोका कि पता नहीं उसकी ऐसी क्या परिस्थितियां हैं कि उसके ऐसे व्यवहार करने की नौबत आई। मैंने सोचा कि क्या ये उसकी प्रवृत्ति है, क्या वो ऐसी परिवेश से आया है कि जहां सभ्यता से व्यवहार को प्राथमिकता नहीं दी जाती, क्या वो अपनी जिंदगी से फ्रस्ट्रेटेड है, या क्या उसके दिमाग में ये एटीट्यूड घर कर गया है कि शहर में हमारी दुकान का नाम चल रहा है और अगर आपके व्यवहार से किसी एक ग्राहक नाराज होकर भविष्य में डीलिंग नहीं रखना चाहता तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। इसी तरह की बातें सोचते हुए और ये सोचकर कि कभी फुर्सत में उस सेल्समैन से इस इशू पर बात करूंगा। उस सेल्समैन का तो मैंने उदाहरण लिया, लेकिन जो व्यक्ति हमसे अवांछित व्यवहार करते हैं उनकी इसी तरह की कोई ना कोई समस्या होती है, और कुछ लोगों का तो व्यवहार ऐसा करने का मुख्य कारण ऐसा से कमतरी का शिकार होना होता है। यानी वो ये महसूस करते हैं कि दूसरा आदमी हमें हमारी हैसियत से कुछ कम आंक रहा है। विशेष रूप से ये परिस्थितियां हमारे परिवारों में या हमारे नजदीकी संबंधों में बहुत बार उत्पन्न हो जाती है। मेरे एक मित्र के परिचित हैं, उनके बारे में मेरे मित्र बता रहे थे कि उनके दिमाग में ये बात घर कर गई है कि उनके परिवार के लोग, उनके सगे संबंधी और उनके मित्र उनके जीवन में हुई प्रोग्रेस से जलते हैं। साथियों, ये सब बातें आपसे शेयर करने का पर्पज ये है कि जिंदगी में आने वाली ऐसी परिस्थितियों से हमें अपनी मेंटल पीस को डिस्टर्ब नहीं करना है, क्योंकि ऐसा व्यवहार करने वाला व्यक्ति या तो अनजाने में ऐसा व्यवहार कर रहा है और वो ऐसे व्यवहार का उसके भविष्य पर होने वाले प्रभाव से अनभिज्ञ है, लेकिन कभी कभी ऐसा व्यवहार करने वाला व्यक्ति जानबूझकर ऐसा व्यवहार कर हमारी मानसिक स्थिति को डिस्टर्ब करके हमारा फायदा उठाने की कोशिश करता है। दोनों ही परिस्थितियों में हमें अपनी मानसिक शांति को डिस्टर्ब किए बिना व्यवहार करना है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति हमारी इच्छा के विरुद्ध हमारी मानसिक शांति को डिस्टर्ब नहीं कर सकता। हमें दूसरों के साथ व्यवहार करते हुए अपने स्वभाव को किसी भी कीमत पर शांत रखना है। धन्यवाद।